सुना चुके और जो अभी दीदी बस पार्क में जाओ, कुदरत कुदरत की एनर्जी लो। राधिका और ये रजत और हम हैं। ये देखिए दोस्तों, मेथड एक्टिंग चल रही है, प्रॉपर प्रोफेशनल एक्टिंग। एक्टिंग नहीं चल रही है। पढ़ाई कर रही हो तुम? जी। क्या पढ़ रही हो? स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। वो तो बताओ, फेल हुई हो जो भी 93% लाने के बावजूद रिसेंटली फेल मर गई। देखो सारा मोटिवेशन लगा रखा है घर के अंदर, कितना फिर भी फेल हो गई। अब इस बार ही हो जाऊंगी। हैं? हाँ। निकाल लोगी इस बार? कौन सा है दूसरा, वो मेन वाला है? हाँ। निकाल लोगी पक्का? ये पढ़ाई की एक्टिंग और नानी की एक्टिंग तो अलग ही लग रही है। नानी जाग रही है। चलो सही 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 सही। सोचो सोचो सोचो। सॉरी सॉरी नानी, सॉरी सॉरी। सोचो 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 सॉरी। क्या हुआ है? अभी कुछ तो क्या नहीं, तू क्या बता रहा था नोनू, पहले पूरा बता। बता रहा कि एक दोस्त है, उसकी आईडी वगैरह हैक हो गई होगी, तो उसने अपने दोस्त को मैसेज करा कि इतने पैसे वगैरह चाहिए, और उसने बिना पूछे फोन वोन करे सीधा ही दे दिया कि बेस्ट फ्रेंड है, दे देगी वापस पैसे। और बाद में पता चला उसकी आईडी वगैरह हैक हो गई, 20,000 रुपए का चूना लग गया। ठीक है। और फिर उसके बाद नोनी ने क्या बोला? क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? क्या बोला? मैंने कहा कि मैं तो तेरे को देने से पहले भी दो बार फोन करूंगी, 100 रुपए बचाए। भले 100 रुपए देने से पहले दो बार फोन करूंगी ना। फिर उसके बाद इसने क्या बोला? मैंने कहा मैं तो कल ही सुबह सुबह इसके पर्स में से 100 रुपए निकाल के ले। तुमने 100 निकाले? 500? नहीं, 100 ही निकाले, क्योंकि इसने मेरे को बताया था कि भैया आपने इसे पैसे दिए होंगे थोड़े से। हाँ। तो मैंने कहा इसके मम्मी से सुबह सुबह क्या ही मांगू पैसे, इसी के पर्स से उठा के ले जाता हूँ। मन तो मेरा हो रहा था 200 ले लूँ, तभी तो ये स्कैम मैम में मैं नहीं आ सकती। पता भी नहीं चला तुझे। मैं वैसे सोच रहा था इसके पास इतने पैसे कहाँ से होते हैं पर्स में, कहाँ से आते हैं? बचाती है ना, कहाँ से बचाए? कहाँ से बचाती है? किधर से बचाती है? जहाँ से मिलते हैं रख लेती हूँ। कहाँ से मिलते हैं? कोई नहीं मिलते। ये पता है कैसी है? उस दिन मामा आए थे, उन्होंने दिए होंगे पैसे, वो भी अपने पास रख लिए। बड़ी मम्मी के थे, वो भी अपने पास रख लिए। दूसरे मामा आए थे, वो सारे पैसे इसने अपने पास रख लिए, मेरे को नहीं दिया। बर्थडे का हम लोग साथ में गए थे खाना खाने, पागल है क्या? हाँ, सारे पैसे मैंने दिए, उसके भी आज तक इसने वापस नहीं करे कि आधा आधा बटना चाहिए। तो भैया ये देखो, मैं अपनी क्लास में गई हुई थी, पूरे दिन इसने घूमा, बस खाने के लिए मैं गई थी, तो दे सकता ये पैसे? अच्छा, बिल्कुल सही बात। अभी मैं बताऊं कि मैंने अभी 2 दिन पहले कहां-कहां पैसे दिए तेरे? बता कहां दिए? बता कहां दिए? जब हम गए थे खाने, अभी कौन सा मोमोज के पैसे मैंने दिए थे, बकवास मत कर। ज्यादा बोल रही है। चल भाई ठीक है, कोई नहीं, हम तुम देखो। और श्रद्धा ने ना मेरा पेटीएम पे आया नहीं होगा, तो श्रद्धा ने इसके पेटीएम पे पैसे कर दिए। मैंने इसको, इसने मेरे को बताया तक नहीं कि इसको श्रद्धा ने पैसे पेटीएम कर दिए, तो फिर श्रद्धा से पता चला कि इसने पेटीएम पैसे भेजे। जब मेरे पास भैया सुनो, जब श्रद्धा ने करे थे ना, मैंने मुझे पता था ये ऐसी मेरे पे झूठा इल्जाम लगाएगा, इसलिए मैंने इसे बिना कुछ मैसेज करे तभी पैसे वापस कर दिए थे। इसने ये तो नहीं पैसे जो क्या क्या कुल मिला के इसने चुराए पैसे इसके पर्स से, कोई पैसे नहीं। पर ये इसके खुद के पैसे थे। हाँ। अभी मैं चाहूँ तो इसके में से और निकाल लूँ, वो मेरे हक के ही है सारे। भैया देखो जो दिए थे ना मामा वगैरह ने, वो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि इसने खो दिए वो, मेरे को पता ही नहीं कहाँ है। और 10 दिन बाद दूसरी जैकेट में से निकाल देगी, इसमें पड़े हुए थे पैसे। कोई नहीं है भैया, घर पे ही है वो इधर उधर होते हैं, फिर कभी मम्मी ले लेती है, कभी कोई तो मम्मी ले लेती है बड़ा। ये देखो दोस्तों, यही चीजें आगे जाके प्रॉपर्टी की लड़ाइयों में बनती है, इसलिए इनके नाम पे कुछ होने ही नहीं वाला। स्टोरी नंबर 2। हाँ, क्या हुआ भाई? उस दिन जिस दिन आपका शो था, हाँ, उस दिन हम लोग रात को एक तो आए थे सब, ठीक है। हाँ। उधर भी मैंने कंट्रीब्यूट होना था सबका, उधर भी मैंने दिए इसके पैसे, ठीक है। हाँ। और उससे एक दिन पहले इसकी इसको गुड़गांव जाना था, तो इसने मेरा मेट्रो कार्ड लिया था। हाँ। एक को बिना बताए ले गई। हाँ। एक तो मेट्रो कार्ड, उसमें पैसे पड़े हुए थे। हाँ। अगले दिन आपके शो पे जाना था मेरे को। हाँ। है, मैं इतना एक तो ना रिक्शा मिल रहा है, वो चल चुला के गया, दिमाग खराब हो रहा था, आपके लिए सामान वगैरह भी लेना था। मेट्रो गया तो जाके मेट्रो जाके पता चला कि मेरे पर्स में, क्योंकि मेरे वॉलेट में रहता है हमेशा मेट्रो कार्ड, मैंने खोल के देखा तो था ही नहीं मेट्रो कार्ड। और मैंने इसको फोन किया तो कह रही वो तो इधर रखा हुआ है ड्रॉर में, मैं लेके गई थी। इतना गुस्सा आया उसका, मैंने कहा वापस आके दे, कह रही मैं नहीं दे रही वापस आके। भैया कैसी बातें कर रहा था, माँ पहुंच के कह रहे हैं कि घर से वहां मेट्रो कार्ड देना है, मैंने कहा टोकन लेके चले जा।
तो भाई लाइन लगी हुई थी टोकन में इतनी, उस दिन 1 जनवरी तक पता लगी हुई थी, बहुत दिक्कत थी उस दिन तो नहीं। कौन ले लेता है गाड़ी? अब मेट्रो का बहुत हो। मम्मी को कह रहा हूं, हां अब इरिटेट हो गई मम्मी, कह रही हूं मम्मी सुनो बहुत ना मेट्रो से बहुत ट्रैवल कर लिया, अब जरा गाड़ी दिला दो। तुम्हें आगे चला नहीं? आ गई कद्दू, आ गई झूठ बोल रही है, नहीं आती तो ये ठीक है, पूछ लेना, देख लेना। इसका तो लाइसेंस है ना नोनू का? तो तुम्हारा है लाइसेंस? मेरे लाइसेंस होके भी मैंने चला, इसका लाइसेंस है तब भी नहीं चलाता ये। अरे क्या झूठ बोल रही है, कुछ भी व्लॉग में आने के बाद फनी बन रही है सामान, कुछ भी कह रहा फनी बन रही है कामों का। लाइसेंस होके भी चलाता ही नहीं गाड़ी। तुम्हारा लाइसेंस नहीं है? नहीं। तो तुम चलाती हो पर? नहीं नहीं चलाती ना। नहीं चलाती, ऐसे ही बोल दिया ना। क्या एक मिनट, क्या कह रही हो? क्या मेट्रो कार्ड ले जाओ, मैं तभी मना कर दिया भाई। उस दिन तो बहुत गुस्सा आया था, उस दिन तो मैंने इसे बिल्कुल जहर बोला था व्हाट्सएप। क्या बोला था? क्या क्या बोल रहा था? नहीं बताओ तो, ऐसा क्या गंदा बोला? क्या अभी यार, नहीं पर ऐसे ही बोला था कि तू किसी काम की नहीं है, आज के बाद मेरी चीजों का हाथ मत ला। और हम लोग सारे दोस्त वगैरह सुबह फुटबॉल प्रैक्टिस वगैरह करके जल्दी उस दिन जल्दी खत्म कर दी, चेंज वगैरह करके गए, तब भी हमें 12:30 बजे पहुंचने में, तब गेट बंद हो गया, पुलिस वुलिस आ गई। फिर हम वापस जा रहे थे ना, हाँ। तो जिस तरफ गाड़ी खड़ी हुई थी उसकी दूसरी तरफ भी क्या कहते हैं गाड़ी खड़ी होगी, उसके अंदर 2-3 लड़के होंगी, वही चीजा बोल के नोनू नोनू करके 15-20 सेकंड तक चलाती रही, मेरे को इतना ऑकवर्ड हो गया उस दिन। हाँ, सुबह से उसके बाद से तो मेरे दोस्तों ने इतना मजाक उड़ाया। और इन्हें एंट्री भी नहीं मिली। अब ना वो बता रहा है कि मेरे को शर्म आ गई कि अब ना हीरो वाला वो पार्ट बता रहा है। नहीं इसका एक दोस्त आज शो देखने आ रहा है, बता। मम्मी कह रही है ना दोस्त वगैरह बनाते नहीं लोग कॉलेज में, तो मैं कह रहा हूं कि जितने कम दोस्त रहे उतने ही अच्छा है। इसको आज मैं शो दिखाने जा रहा हूँ ना, तो वो मेरे को बहुत टाइम से कह रहा है कि शो दिखा दे अपने भाई का, शो दिखा दे, और कल मैंने देखा तो उसने मेरा नंबर तक नहीं सेव कर रखा। तुम्हारे भी ऐसी है दोस्त क्या? हैं क्या चलता है तुम्हारे में? तुम्हारे में अभी चुगली उगली क्या चलता है बच्चों में? बच्चों का मतलब तुम लोग आपस में? नहीं कुछ बताओ तो थोड़ा। नहीं, एक उधर खेल रहा होगा, इसकी बात यहाँ चलती होगी। इधर शूटिंग कर रहा होगा, इधर वो लेयर मारने जा रहे हो, उसकी बात यहाँ चलती होगी। ये तो नहीं होता, हम तो बोल लेते हैं लड़कों में, तो बोल लेते हैं एक दूसरे को। ये बात तूने बोली उसे कि तेरा नंबर भी सेव नहीं करा हुआ? हाँ बोलते, थोड़ा ड्राइंग देता हूँ शो पर कल के लिए। मुझे रोज सुबह मुनीर का से उठाता ना गाड़ी से, हाँ। तो मेरा 40 रुपए बच जाता। इसलिए दिखाई देता। अभी आपको वर्कआउट को लेके हमारे घर में जागरूकता दिखाएंगे क्या? हाँ नानी बताना क्या होता है। निखिल तो निखिल अभी लखनऊ था नानी के साथ बड़े दिन, और निखिल वर्कआउट रेगुलर करता है। हाँ नानी बताओ। अरे भैया वो भी करता है ना एक्सरसाइज, और इतना करता है कि पसीने से नहा जाता है। हम बिगड़ते हैं कि भैया ऐसा क्या जरूरत पड़ी ये करने की? कहीं नानी ठीक हो जाएगा, हमका ठीक क्या हो जाएगा, है ना? मैं भी घर पे करता था ना, तो जैसे वो करता था सर्किट वाला, सांस फूल जाती थी तो मैं पानी पीने अंदर आता था, तो मम्मी कहती थी इतना नहीं करते नुकसान करता है। मैं बोल रही हूँ जरा सी करते करते होमवर्क करने सांस तेज हो जाती थी ना, अरे रुक जा 2 मिनट। हाँ दीदी बस पार्क में जाओ, कुदरत कुदरत की एनर्जी लो।
देखे जी बाहर में जाओ कुदरत कुदरत से मिलो और सब ठीक हो जाएगा। वो भी तुम सुबह सुबह नहीं उठते इसलिए कम नहीं हो रहा। उसका था ना उपन्यास का जोक था ना तुम सब उठ के तो देखो। अरे तो सही बात है 11-12 बजे सो रात में जिम जाओ सुबह उठो टाइम से जाओ। क्या कहती पार्क में जाओ कुदरत कुदरत का नाम लो प्रकृति से मिलो कुदरत से। सुबह के टाइम जाओ टहलो जाके तो ठीक है। अब इतना एक्सरसाइज करने क्या जरूरत भैया। कल्चर ही नहीं है कल्चर। मैंने आज क्लियरली मैं हर बार आता हूँ मना करता हूँ घी मत डाल कर दो पराठे खिलाई इतना घी भर करके। हाँ मैंने देखा था कैसे आपने डाला था ना पूरा एक होता है चम्मच से लगाना भाई वो पूरा कंटर से पलट ही दिया ऐसे रूल लगा कर। मम्मी ने इतनी आदत लगा दी है घी की सूखी रोटी मन नहीं करता खाने का बिल्कुल भी है ना। हाँ बिल्कुल सूखी रोटी नहीं खाई जाती है घी में इसलिए तो सब गेंडे रखे हैं। दोस्तों ये लड़का क्लास क्वाइट दोस्तों ये लड़का IIT से है। तुम घर पे बता के आए हो चारों बेटे नहीं झूठ बोल के आए हो बता के आए हो ये चारों कॉलेज से है किसी लड़कियों का नहीं बता सकते भाई हम किस कॉलेज से ऐसे लौंडे ना सीधा इंस्टाग्राम पे सारे हैशटैग ये कॉलेज हैशटैग लिंक्डइन पे चले जाते भाई ढूंढते ढूंढते पता है वीडियो नहीं ये IIT से है ये चार लड़कियाँ किसी कॉलेज से ऐसे कोर्स कर रही हैं जहाँ जॉब मुश्किल है। मैंने बोला देख लो जिसका मन करे पटा लो पर नाराजी हो गई बीच में आप ऐसे नहीं बोल सकते गौरव। बट दोस्तों वी परफॉर्मड इन दिल्ली टुडे एंड हैड अ ग्रेट टाइम विद एवरीवन ओवर देयर। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थाने से आया लड़का ये येलो जैकेट और ये आप क्या करते हो भाई आपने क्या बताया सॉफ्टवेयर तो ये देख लो दे आर क्लियर इन लाइन उन्होंने याद कर लिया क्या पता है। Okay guys, so it was second show in Delhi. We had a great time with everyone over here. बताया दोस्तों एक ये लड़का आपको दिखाता हूँ कहाँ है ये वाला भाई अगर हाथ लड़ो ना इसके अंदर खड़ा माल है आपको बता दूँ। आप लोग आओगे ब्लॉग में चलेगा लोटस भाई ये एक आई डोंट नो कपल है कि नहीं है लड़के के हिसाब से जो है लड़की के हिसाब से नहीं है। इसमें लड़के का नाम कमल है और लड़की का नाम लोटस है और आपको लग रहा होगा बकचोदी है नहीं सच में है कमल एंड लोटस बकायदा आधार कार्ड देखा मैंने कमल को तो देखा है लोटस ने नहीं देखा और दोनों कीचड़ में हैं दोनों। गुड जॉब गाइस गुड जॉब ये जोक दोबारा चाहिए है दोबारा आना चाहिए एंड सेम रिएक्शन जस्ट ओके एवरीबॉडी रेडी ओके रेडी यस यस यशवी बोल। इतना लंबा सेटअप नहीं सीधा पंच लाइन बोल ठीक है ठीक है जल्दी बोल और दोनों कीचड़ में गुड जॉब गाइस गुड जॉब यू आर वेरी गुड फेक ऑडियंस ऑल्सो। और एक ये है भांग तो कुछ तो काम करता है पता नहीं क्या कर रहा है आपको भी नहीं ये लो आओ ये लो दो तीन लोग और आना चाहते हैं ब्लॉग में इनको पता नहीं कितने उन्होंने ऐसे मेरे को ब्लॉग में डलवाया और एंड में आता ही नहीं कभी फुटेज। फिर मेरे को इंस्टा पे डीएम कहा आपने तो पूरा ही काट दिया गुड़गांव। क्या बताना चाहते बताओ कुछ अच्छी बात बताओ ये लोग बना के दो सच में बनाओ ना दे दो लोटस बनाओ क्या बोलना चाहोगे बोलो एक तो ऐसे बनाओ जल्दी बनाओ। ओके सो मैं राधिका और ये रजत और हम हैं सर के शो में फिर बस बस हमें आना था मजा आया बहुत मजा आया ठीक है थैंक यू दोस्तों वी हैड अ ग्रेट टाइम थैंक यू सो मच टेक केयर।